हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, गर्मियों के मौसम में अगर आपको भी वैक्स करते हुए दिक्कत होती है, आपका कस्टमर अगर गर्मियों के मौसम में वैक्स करवाता है, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और उनकी प्लस ऑयली स्किन है, जब भी आप उनको वैक्स करते हो तो उनको वैक्स पट्टी लगाने के बाद उसको रब करते हो, उनको खूब सारा पसीना आता है। आपने देखा भी होगा, जब भी हम पट्टी को रब करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो पट्टी के बिल्कुल आर पार, मतलब दूसरी साइड भी पट्टी के बिल्कुल पसीना आ जाता है और वैक्स बिल्कुल चिपक जाती है। वैक्स से अच्छे से नहीं होती, स्ट्रिप अच्छे से फिनिशिंग से नहीं खींचती है। जब भी आप खींचते हो कस्टमर को ज़्यादा पेन होता है, प्लस उनके बाल अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं, उनकी स्किन पर काफ़ी सारे बाल रह जाते हैं। और जिन सैलूनों में एसी वगैरह नहीं होता है उनको तो अच्छी खासी दिक्कत होती है इस सीजन में वैक्स करने के लिए उनकी। और जिनकी सैलून में एसी भी होता है, कई बार क्या होता है हम कस्टमर की वैक्स करने लग रहे हैं और लाइट भाग जाती है, तब भी हमें काफ़ी दिक्कत होती है जब एसी बंद होने के बाद हमें वैक्स करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैं बात बताऊंगी वो आप एसी विदाउट एसी दोनों कंडीशन में आप बड़े इजीली आप वैक्स कर सकते हो। जिन कस्टमरों को ज़्यादा पसीना आता है और उनको दिक्कत होती है आपको अगर वैक्स करने में, जो मैं ये तरीका बताऊंगी इससे आपकी कस्टमर की स्किन पर एक भी बाल नहीं रहेंगे, प्लस उनको पेन नहीं होगा और उनके बाल अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे आप जो है अपने कस्टमर को विदाउट पेन बड़ी इजीली आप उनको वैक्स कर सकते हो या फिर बिना एसी भी आप वैक्स कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे हम इजी वे में वैक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ हीटर के अंदर वैक्स गरम कर लेनी है। मैं यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हनी वैक्स यहाँ पर ले रही हूँ, उसको आप गरम कर लीजिए। जहाँ भी मैं ये वैक्स कर रही हूँ वहाँ मैं अभी हाल बिना एसी के यहाँ बैठी हूँ, आपको बिना एसी के वैक्स करके आपके मैं दिखाऊंगी। उसके बाद आप अगर आपके कस्टमर ने मॉइस्चराइज़र लगा रखा है तो आप उसके हाथ को अच्छे से साबुन से वॉश कर दीजिए। फिर उसके बाद आप अच्छे से उसको पाउडर लगाइए। पाउडर लगाने के बाद उसके हाथ पर आप वैक्स अप्लाई कीजिए। ये देखिए, यहाँ मैं वैक्स अप्लाई कर रही हूँ। मैं अपने ही हाथ पे आपको ये करके दिखा रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन है और पार्लर का काम अभी बंद है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने नॉर्मल वैक्स यहाँ लगाई है। अगर आप, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, आप एसी में भी कैसे वैक्स कर सकते हैं और विदाउट एसी भी कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ विदाउट एसी आप वैक्स कैसे कर सकते हो। इसके ऊपर अब हमें लगाना है पाउडर, पूरे हाथ पर हमें पाउडर लगाना है। फिर सेकेंड जो कोटिंग है वो फिर से आप वैक्स की कर लीजिए। ये देखिए, फिर से आप वैक्स की सेकेंड कोटिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी स्ट्रिप लेनी है और स्ट्रिप को अच्छे से यहाँ पर आपने लगाया। अब ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको, अगर आप जो है एसी में भी करो तो आपको पाउडर लगाकर सेकंड कोटिंग नहीं करनी है, आपको सिंगल कोटिंग ही करनी है। लेकिन आपको दोनों कंडीशन में आपको पाउडर से, आपको हाथ से कभी रब नहीं करना, क्योंकि जब भी आप हाथ से रब करते हो तो पसीना आता है रब करने से और ज़्यादा हीट होती है और पसीना आता है आपको ऐसे ही पफ से जिससे आप पाउडर लगाते हैं। उससे अच्छे से करने के बाद आपको ये देखिए बहुत इजी वे में आपके बाल यहाँ निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो तरीका मैंने बताया है बहुत बेस्ट ये तरीका है। आप मर्जी एसी में करो, विदाउट एसी करो, बहुत अच्छे से यहाँ ये वैक्स हो जाएगी। और ये मैंने जो वैक्स की है ये बिल्कुल बिना एसी के की है और मेरी काफ़ी ऑयली स्किन है, आप देख भी सकते हो कि मेरी स्किन पर पसीना आ गया है। ये जो मैंने तरीका बताया फ्रेंड्स, आप कितनी मर्जी गर्मी के अंदर कर लो और कितनी मर्जी आप कैसे भी कर लो, अगर आपको, आप जो है अगर आपका ये है एसी लगा हुआ है तब भी आप कैसे करोगे, यहाँ पर ऐसे हाथ पर आप पाउडर लगा के आप अपने हाथ पर ऐसे वैक्स लगा के जब भी आप पट्टी लगाते हो
पट्टी लगाते ऐसे आप पट्टी लगाइए और ऐसे सीधा आप पाउडर से रब कीजिए, इतनी अच्छे से वैक्स होगी फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छे से आपके बाल निकल जाएंगे और बहुत फिनिशिंग से आपकी वैक्स होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी जानकारी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।